क्यों ऐड किया है ताकि दिस प्रोपोर्शन शुड बी कम टू इज टू फाइव मतलब फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो इज एटीजल टू सिक्सटीन मतलब सिक्सटीन लीटर वाटर ऐड किया है न्यू वैल्यू ऑफ डाई सिक्सटीन एंड न्यू वैल्यू ऑफ वाटर इज ट्वेंटी फोर प्लस एक्स मतलब सिक्सटीन एक्सिकीन सो डाई की वैल्यू सिक्स है वॉटर की वैल्यू चौबीस प्लस इज टेकन आउट अब सिक्सटीन मतलब टोटल सोल्यूशन फिफ्टी सिक्स है इसका वन फोर्थ अगर हम कम करते हैं वन फोर्थ अगर कम करेंगे तो डाय वन फोर्थ कम होगा मतलब 12 बचेगा और ये भी वन फोर्थ कम होगा मतलब 30 बचेगा और ये भी वन फोर्थ कम होगा मतलब 42 बचेगा सो आफ्टर टेकिंग आउट वन फोर्थ सोल्यूशन वी आर लेफ्ट विथ 42 टू लीटर वॉल्यूम इन विच डाई इज ट्वेल्व लीटर एंड वाटर इज थर्टी लीटर ना वॉट डन फोर्थ ऑफ दिस डायलूटेड सोल्यूशन इज टेकन आउट हाउ मैनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट भी एडिड टू द रिमेनिंग सोल्यूशन अब रिमेनिंग सोल्यूशन जो फोर्टी टू का है जिसमें डाई है ट्वेल्व और वाटर है थर्टी उसमें हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट भी एडेड टू ब्रिंग द प्रोपोर्शन बैक टू टू इज टू थ्री अब वो बोल रहा है कि ये जो डाई है यहाँ पर मैं करता हूँ डाई जो ट्वेल्व है उसमें कितना ऐड करें लेट से वाई एड करें ताकि डाय ट्वेल्व प्लस वाई हो और वाटर अब भी थर्टी रहे और तब ये रेशो उन्होंने कहा है कि क्या होना चाहिए तो ये होना चाहिए टू इस टू थ्री तो वाई क्या है मतलब कितना वो डाय एड करे तो डाय हमने वाई लिया है सो डाय शुड बी ट्वेल्व प्लस वाई एंड वाटर इज थर्टी दिस रेशो नीड्स टू भी टू इज थ्री तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी सिक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टी इंटू टू सिक्सटी या थ्री वाई की वैल्यू आ रही है ट्वेंटी फोर या थ्री वाई 24 ट्वेंटी फोर इसका मतलब वाई की वैल्यू आ रही है एट तो एट लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड ये पूछा है तो आंसर इज एट एट लीटर डाई आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि ये ट्वेल्व और एट ट्वेंटी हो सके और वाटर थर्टी था टू इस टू थ्री का रेशो मिल जाएगा